प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी अग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे। इनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार। मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कह जाए वो बड़े पैसिव होते थे। अब मुझे बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा कर रहा है, हमारा आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहते रूस को कंडेम कर रहा है, और भाई तुम्हारी मजाल कैसे है कि तुम कंडेम कर रहे हो? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो तुम्हारा बॉस है वो रूस के दौरे पे गया हो और तुम यहाँ पे बैठ के कंडेम कर रहे हो। इन्होंने यूक्रेन के साथ डील बनाई और बाइडेन ने बनाई डील, और ये अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ चुका हुआ है। तालिबान को बनाने वाला कौन है? अच्छा। अफगानिस्तान के अंदर जो बॉर्डर के क्रॉस है, जो टेररिज्म हो रही है, उनको कराने वाला। अब मेरी बात सुने, अब ये लोग जो कहते हैं कि जी बॉर्डर के क्रॉस स्मगलिंग हो रही है और तुम छनकला लेने खड़े हुए बॉर्डर पे, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, कभी भी नहीं चाहेगी। और जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे सिक्का चल रहा है तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई पीस की बात हो। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 2-3 कश्मीरी से मेरी खुद बात हुई है, ठीक है, और ये मैं प्रूफ करने के लिए भी तैयार हूँ, वो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। और पाकिस्तान की तो इतनी जाहिल आवाम है माजरत के साथ कि यहाँ पे जब मार्शल लगता है ये मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है, क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। 70,000 हमने अपनी जाने दी है पाकिस्तानियों ने इसके अंदर, वॉर के अंदर। और अमरीका ने कहा था अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ मुझे बताएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी, जैसे कि अब रिसेंटली आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके बाद अब देखिए रिसेंटली जो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के अंदर जो बेहतरियां लाई हैं, जैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, और जैसे मोदी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हमारी तरफ तो वही सीन चल रहा है जो पिछले 70 साल से चल रहा था, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे आ रही है। अब देखिए वहाँ पे G20 का लेटेस्टली हुआ है, तो वहाँ पे कितने, मतलब कि दुनिया की सारी पावर्स वहाँ पे आई हैं, अमेरिका भी आया, अमेरिका इंतहाई कामयाब हुआ है, और ठीक है, और वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और उनकी डिप्लोमेसी जो है वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मतलब आपने बोला वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, जबकि उनकी स्टेटमेंट या वो ये कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, ना हम ब्लॉक बनाएंगे, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, वन वर्ल्ड वन फैमिली, उनका तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट रहती है। नहीं देखिए, वो जाहिर है बात करने में तो यही कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, कोई भी कंट्री खुलेआम तो नहीं ना कहता कि हम इस ब्लॉक में हैं या उस ब्लॉक में हैं, लेकिन उनकी ये अच्छी बात है कि जहाँ पे उनको अपने मुल्क का फायदा नजर आता है वो उसी तरफ मूव कर जाते हैं है। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर आपको अपने मुल्क का, अपने कंट्री का कहीं गेंस मिल रही हैं तो आप वहीं पे जाएं, बजाय आपके एक ब्लॉक को लेके चलें। ब्लॉक का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपका ब्लॉक आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप छोड़ दें, ऐसे ही है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ताकि आप बेसिकली जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या कंट्री का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर है उसका बेसिक जो पर्पज है या बेसिक ड्यूटी उसकी है कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डेफिनेटली, ठीक है। अगर जिस भी कंट्री के साथ उसके रिलेशन बेहतर करे या रिलेशन बेहतर ना करे, अपने कंट्री को जो है वो आगे लेके जाए, बिल्कुल इस तरह, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे G20 कामयाब हुई, इसके अलावा अभी जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है, US के जो उनसे बिलियनियर हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, टाइकून हैं, वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना जिस स्पीड से रेवोल्यूशन की तरफ आया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ आया, क्या उतनी ही स्पीड से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या उससे ज्यादा स्पीड है, कम स्पीड है? मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा स्पीड चल रही है इसकी, और दूसरा उनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भी बड़ा एज उठा रहे हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो IT इंडस्ट्री का बूम है, ठीक है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और चौथे नंबर पे वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी, और ऊपर से उनकी स्टेबिलिटी है। अब देखें ना, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है वो एक रूल अप्लाई करती है और दूसरी जो है उसको डाइवर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं सकते, ना ही वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट। अब मुझे बताएं कि कौन सी पिछले 2-3 सालों में, जब से ये
और ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को बाहर निकाला। मुझे बताएं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो आपके मुल्क में? नहीं, कोई भी कोई नहीं आई। और जब आपके इंडिया के अंदर, अब इलॉन मस्क का अगले दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैं मोदी के फैन हूँ। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है जी, ठीक है। अगर वो वहाँ पे, अगर इलॉन मस्क का एक ये कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर लोग ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, इलॉन मस्क की एक स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चली जाती है, यही चीज है। ऐसे तो क्या एक कंट्री को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो ये बात कर रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ? हालांकि वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई कंट्री ऐसी बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। इवन बात करना तो दूर की बात, लोग जो आना चाह रहे थे, इवन सऊदीया के अगर प्रिंस की बात करें, मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करें, उन्होंने यहाँ पे आना था, विजिट करना था, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बताएं, अक्सर आज कल ये चल रहा है, नो डाउट वो अपने कंट्री के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज इंडिया जिस पोजीशन पे है, भारत जिस पोजीशन पे है, सिर्फ ये एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से है कि इसके पीछे प्रॉपर एक एफर्ट है, या प्रॉपर टीम है, या उनके लोगों का भी कोई ना कोई रोल है? ये सर 70 साल की स्ट्रगल है, उनमें से दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, ठीक है, और उसका सबूत आपको मिलता भी है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे आपको इंडियंस मिलते हैं, ऐसे ही है। दूसरा उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को लेके चले हैं, डेमोक्रेसी उनकी प्रिवेल की है और आज उनको उनके सम्राट मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तीसरे नंबर पे उन्होंने नेपोटिज्म जो है उसके ऊपर भी काबू पाया है। अब देखें उनका जो ये डॉक्टर जयशंकर है, गालिबन फॉरेन मिनिस्टर का नाम जी, है, ठीक है। अब वो देखें एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर आया है, ठीक है। अब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर कौन सा होता है, जो एक बिलावल साहब, एक मैट्रिक बंदा। अब देखें हमारे यहाँ मुल्क की ये बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखें मैं आपको मिसालें दे देता हूँ कि जो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी, जो कि उसका वालिद है, उसकी ऑफिशियल एजुकेशन FA है। अच्छा ऐसे ही है। अब मुझे बताएं एक FA पास बंदा जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट रहा है 5 साल कंट्री का, अब वो मुल्क को क्या सर्व करेगा, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना? सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तरफ देख लें, भाई इधर मैं एक बात देखने में भी, मैं ये गलत पॉइंट हो मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन नो डाउट मैटर करती है, एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत भी मैटर करती है। वरना अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इससे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में तो पाकिस्तान में नो डाउट उनकी क्वालिफिकेशन है, MA पॉलिटिक्स उनकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जो हम देखते हैं आर्ट्स एंड पॉलिटिशियन इसरी की पॉलिटिक्स। लेकिन ये है कि कहा तो ये जाता था जी चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया, आज वही चाय वाला वो कहाँ चला गया, चांद वाला बन गया आज तो वो। तो फिर इसका मतलब है नियत का भी कहीं ना कहीं अमल होता है जी, बिल्कुल। अगर वो चाय वाला था तो उसकी तो ये क्वालिटी है ना कि एक छोटे लेवल पे शुरू करके उसने अपने मुल्क को कहाँ पे कहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। और हम देख लें हमारे पास, अब देखे हमारे पास इलीट क्लास थी, अब हमारी जो तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये PTI होगी, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, इन तीनों के जो बच्चे हैं वो सारे फॉरन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं इन्होंने क्या चेंजिंग आके लेके आ गए हैं, उन्हें पता ही नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, फिर ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। अगले दिन वो एक हमारा मिनिस्टर था कि वो पता नहीं क्या बता रहा था, आलूओं का रेट वो दर्जनों में बता रहा था और दूसरी चीजें वो इस तरह बता रहा, मतलब ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ ये महंगाई का तूफान इतना बड़ा हुआ, अब क्राइम रेट जाहिर है इससे भी बढ़ेगा, ऐसा ही है, ठीक है, और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो भी चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों से बड़ी तादाद में यहाँ से बाहर भी जाना चाह रहे हैं लोग, तो मैं 10-12 लाख लोग आई थिंक वहाँ गलत नहीं हूँ, तो यहाँ से पाकिस्तान से लोग बाहर जा चुके हैं, अभी है। सितंबर चल रहा है, अभी 3 मंथ पड़े हैं, आप मेरे से पूछ ले, मैंने भी ग्रेजुएशन करके बाहर ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखे ना, जब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी तब तक हम अपने आप को यहीं पे देखेंगे, बल्कि इससे नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कंपैरिजन करें, वैसे तो नो डाउट इस टाइम कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया पाकिस्तान का नहीं, बल्कि उनके उनके पॉलिटिशियंस का और हमारे पॉलिटिशियंस का, उनके प्राइम मिनिस्टर्स का और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का, 2-3-4 सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या शहबाज शरीफ नहीं, 2-3 पहले उनके अगर बात करें और हमारे जो 2-3 बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क है? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी अग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे, ठीक है, कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होता होता कुछ भी नहीं है इनसे, ठीक है, ये मसला था। अब देखिए उन्होंने, उनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार, मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कह जाए वो बड़े पैसिव होते थे। और यही अच्छा, अग्रेशन जो होता है ना वो वार के लिए होता है, ठीक
वॉर के अलावा आपने पैसिव नेचर में रहना होता है, ठीक हो गया। और दुनिया आज जितनी भी तरक्की कर रही है डायलॉग के जरिए कर रही है, सही है। आज दुनिया 10,000 साल से ज्यादा इस दुनिया को हो गया, आज दुनिया इस मुकाम पे पहुंची है कि वार किसी भी मसले का हल नहीं है, डायलॉग है, ठीक है। और जितनी भी मॉडर्न या आप कहते हैं डेमोक्रेसीज, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, वो सारी वॉर पे यकीन नहीं रखती, वो डायलॉग पे यकीन रखती हैं, ठीक है। तो हमें भी डायलॉग की तरफ जाना होगा, अग्रेशन हमें नहीं चाहिए भाई, अग्रेशन आपने दिखाना है ये आप लोकल जलसों के अंदर दिखा लें, ऐसे ही है। हाँ, लोकल जलसों के अंदर दिखा लें, लेकिन मसला ये है हमारी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है शायद। हम जो अग्रेशन दिखाते हैं या जो अग्रेसिव मूड रखते हैं, वो भी शायद किसी के कहने पे हम अपना जज्बाती स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर अगर हम कहीं पे पोलाइट होते हैं तो वो भी किसी को खुश करने के लिए हो जाते हैं। एक दिन हम ये कहते हैं कि हम तो अपने नेबर के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, उससे अगले दिन हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ये जो एटॉमिक पावर है, एटम बम है हमारे, ये हमने ऐसे नहीं रखे, ये तो हमने भारत के लिए रखें। मतलब ये हमारी इस तरह की जो स्टेटमेंट में आए दिन चेंजिंग्स आती रहती है, इससे आपको नहीं लगता कि इमेज हमारा खराब होता है, मजाक हमारा बनता है? सर देखे ना, इसके पीछे तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छा, कभी भी नहीं चाहेगी। और जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे सिक्का चल रहा है, तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई पीस की बात होगी। और दूसरे नंबर पे अभी आप ये हिसाब लगा लें, अभी मैं गालबन कल या परसों ही पढ़ रहा था, अभी वो लीक हुई है कि जो इन्होंने आईएमएफ की ट्रेंच लेने के लिए बाइडन ने इनकी डील करवाई है, ठीक हो गया, ठीक है, सीक्रेट डील जो हो गया। और ये मैं अपने पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब मेरे हाथ जुड़े हैं, देख लो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अभी उन्होंने अभी ये लीक हुई है, मैं अब सारे पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आप आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। उनमें उन्होंने लिखा है कि जब इमरान खान ने रशिया का दौरा किया है, अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को ये भी बता दूं कि इमरान खान ने रशिया का दौरा क्यों किया है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है। हमें 30% जो है ना वो सस्ता मिल रहा था वहां से, तेल भी और गंदम भी सस्ती मिल रही थी, हमने रूस का दौरा किया। अब मुझे बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा कर रहा है, हमारा आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहते रूस को कंडेम कर रहा है, और भाई तुम्हारी मजाल कैसे है कि तुम कंडेम कर रहे हो? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो तुम्हारा बॉस है वो रूस के दौरे पे गया हो और तुम यहाँ पे बैठ के कंडेम कर रहे हो। इन्होंने यूक्रेन के साथ डील बनाई और बाइडन ने बनाई डील, और ये अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ चुका हुआ है। यूक्रेन और पाकिस्तान के साथ एक डील बनाई गई, और पाकिस्तान के साथ नहीं, पपिट पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बनाई गई, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक डील बनाई है, और उसको डील करवाने वाला बाइडन है। यहाँ से आर्म्ड जल्स जो था वेपन्स थे वो वहाँ पे भेजे गए हैं और उनको सपोर्ट किया गया ताकि रशिया को साइड पर रखा जाए। अब मुझे बताएं, इन सब में आज हमारा अगर वो डील हमारी कामयाब हो जाती, नो डाउट इमरान खान की जगह कोई और पॉलिटिशियन होता, आज पेट्रोल 313 रुपये होना था, 332 रुपए है। अब मुझे बताएं, जो गरीब 1,000 रुपए दिन का कमाता है वो बेचारा 332 रुपए का पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? अच्छा दिलशाद भाई, कहीं ये तो चक्कर नहीं था कि भाई प्राइम मिनिस्टर चले जाएं रशिया, वहाँ पे जाके उनकी फेवर कर दें, और दूसरे जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे अदारे हैं वो यूक्रेन की फेवर कर दें कि हम तो डिप्लोमेट बन जाए, दोनों साइड हमने रख ली, कोई ये तो चक्कर नहीं था? मतलब भाई डिप्लोमेट आपको देखे ना, यूक्रेन में से और रशिया में से आपने रशिया के साथ चलना था, क्योंकि रशिया आपको सस्ता तेल भी दे रहा था और रशिया आपको सस्ता गंदम भी दे रहा था, फायदा पाकिस्तान का इसमें हो रहा था पाकिस्तान के, ठीक है। अब इंडिया को देख लें, इंडिया हर तरफ डिप्लोमेसी करता है और इंडिया हर तरफ बना के रखता है हर किसी के साथ, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तो दोनों तरफ रखे भी हैं रिलेशन, और उन्होंने ओपन भी रखे हैं, उन्होंने ये भी कहा है, इवन रशिया को ये कहा है कि भाई वार का दौर नहीं है, ये प्रॉपर ये स्टेटमेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के को ये बोला है कि भाई ये वार का दौर नहीं है, ये तो डिप्लोमेसी का है, आगे बढ़ने का दौर है। और इवन यूक्रेन को भी उन्होंने जो सा इस तरीके से उनके साथ मुलाकात और ये चीज़ें हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उस पोजीशन पे नहीं है कि हम इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सकें, या फिर हमारी स्टेटमेंट की वैल्यू ही नहीं है? स्टेटमेंट की वैल्यू की बात नहीं है, हम एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, दुनिया की सातवीं बड़ी एटॉमिक पावर है, ऐसे ही है, हमारी है, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि अब मुझे देखें, जब एक डील रशिया के प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान के दरमियान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक डील चल रही थी, मुझे ये बताएं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां पे घुसने की जरूरत क्या थी? मुझे बताएं, आज जर्नैलों के बच्चे 331 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, या एक गरीब का बच्चा पेट्रोल डलवा रहा है? इनके तो पेट्रोल मुफ्त है, इनकी बिजली मुफ्त है, इनकी हर चीज मुफ्त है, ठीक है। ये तो गरीब का बच्चा, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे जितने बेचारे रिक्शे वाले खड़े हैं, छाबड़ी वाले खड़े हैं, इनसे जाके पूछें, ओ सर ठीक है, हालात हैं, लोग खुदकुशी इन्होंने बीच में लुच फ्राई की है। मुझे ये पता इनका मकसद क्या था, जब मेरी बात, अब ऊपर से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, ये जितनी पीडीएम की गवर्नमेंट है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जो भी है, आप नाम भी ना लें, जो भी है, अब मुझे बताएं,
अब उनके केसेस का मसला बना हुआ था, अब उनको भी पता था कि हमें यहाँ से कोई ना कोई भागने का रास्ता चाहिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, उनकी सहूलतकार बनी और उनको एक रास्ता दिया। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम इल्ज़ाम लगाते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह कर दिया, गवर्नमेंट ने यह कर दिया, दारों ने यह कर दिया, नवाज शरीफ ने यह कर दिया, आपको नहीं लगता इन चक्रों में मजीद हम पीछे अंधेरे की तरफ जाते जाएंगे, दुनिया आगे जाती जाएगी, टेक्नोलॉजी में, आईटी में अपना नाम बनाती जाएगी और हम यहाँ रोड पे खड़े होकर यही कह देंगे कि आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, आज इंडिया ने मिशन सन लॉन्च कर दिया, आज इंडिया G20 कामयाब हो गया। नो डाउट अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कभी अपने बारे में भी अच्छी खबर तो हमें सुनने का मौका मिले या कवर करने का मौका मिले। भाई अब देखिए, अब मैंने आपको इतनी बड़ी एग्जांपल दी है, अगर यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग ना होती, ठीक है, तो क्या ये जो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आए हैं वो कभी कामयाब होनी थी? कभी कामयाब नहीं होनी थी। और अब आपको पता लग जाना चाहिए, अब भी अगर पाकिस्तानी कौम को अगर अब भी पता नहीं ना चलता तो यार पाकिस्तानी कौम दुनिया से 100 साल पीछे है, 100 साल पीछे, ठीक है। अभी आपको उन्होंने सब कुछ करके, यार अभी तो दुनिया का वो मामला चल रहे हैं कि अगर आप कुछ भी बताते हो तो वो 10 सालों बाद, 5 साल, बल्कि अब तो 4-5 महीनों बाद खुल के सामने आना ही आना। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई अब सच सामने आता ही आता है, छुपा सकते आप सच, ठीक है। अब भी अब देखे ना, अगर अब आपको पता चल गया है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है तो अब आप इंसान सीख ले, ठीक है, सबक सीख ले। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट तो वहां पे भी है, एस्टेब्लिशमेंट दूसरे कंट्रीज में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, क्या फर्क है इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट में और हमारी एस्टेब्लिशमेंट में? वो तो मतलब अपना काम जो हमें देखने, क्या क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग तो एक मतलब 1947 से पहले बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये सब जितनी भी आर्मी थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, सारों की ट्रेनिंग एक ही प्रोसीजर के थ्रू हुई ना सर? ये ना काकुल एकेडमी है जहाँ पे हमारे फौजी सारी ट्रेनिंग लेके जाते हैं, वहाँ पे ना एक जुमले का इनका होता है क्या? जो हलफ लेते हैं, ठीक है, कि मैं किसी भी सियासी सरगर्मी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा नहीं लूंगा, इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ठीक है, और यही ये तोड़ते हैं, सिर्फ यही रूल तोड़ा जाता है। नहीं तो उधर की अगर हम उधर नहीं तोड़ा, अब मेरे देखे ना, अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल, तुर्की में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे कोशिश की गद्दारी करने की, अवाम टैंकों के सामने लेट गई, और पाकिस्तान की तो इतनी जाहिल अवाम है माजरत के साथ कि यहाँ पे जब मार्शल लगता है ये मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है, क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। उसकी रीजन ये है ना कि हम लोग तंग बहुत, इधर थोड़ा सा रोड है, अच्छा, हम लोग तंग बहुत आगे होते हैं पॉलिटिशियन से, हम कहते हैं यार मैं भी अब यही आके हमें रिलीफ दे दें, लेकिन ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कितना पीछे चले जाते हैं। सर एक मार्शल लॉ लगने से आप कितना पीछे चले जाते हैं इस चीज का पाकिस्तान की आवाम को आइडिया नहीं, और दूसरे नंबर पे इनको इनको नहीं पता कि एक जो पब्लिक का प्राइम मिनिस्टर होता है उसके दिल में पब्लिक का दुख दर्द होता है। सही है, अच्छा, गवर्नमेंट हमेशा, मैं तो इसी हक में हूँ कि हमेशा जो उनसे जो पब्लिक डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है या कहा जाता है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ तो पब्लिक के जो नुमाइंदा है उसे ही गवर्नमेंट आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं क्या, मैं यहाँ पे ये कहूँगा हमेशा अगर हम दूसरी साइड पर ब्लेम करें, कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इस लायक नहीं होते, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वही इस लायक नहीं होते कि वो गवर्नमेंट को चला सकें। नहीं, इसमें आपकी बात किसी हद तक ठीक है, इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि अब देखिए अगर हम प्रेजेंट अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, इस टाइम जो सबसे ज्यादा इस टाइम पॉलिटिकल वेव जिसके साथ है वो इमरान खान के साथ है, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। अब मुझे बताएं आसिफ अली जरदारी है या दूसरी छोटी पार्टी है, अगर उन्होंने पावर में आना है, ठीक है, तो कैसे आएंगे? कैसे वैसे तो पावर में वो आ ही नहीं ना सकती। आप यहाँ पे MNA खड़ा करते हैं, पीपल्स पार्टी का 1500-2000 वोट है। आपको लगता है कि इमरान खान भी अगर अपनी आ सकते हैं आजादी से पावर में आ सकते हैं? नहीं, इमरान खान के पास अगर पब्लिक सपोर्ट है तो बिस्मिल्ला, ठीक है। अगर इमरान खान के पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो भाई जिधर बैठा उधर बैठा रहे, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं हम आगे कैसे जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से दुनिया डिप्लोमेसी के ऊपर वर्क कर रही है, अगर हम बात करें G20 की, अगर हम बात करें दूसरी डेवलपमेंट्स की, अभी तो वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी या तीन बड़ी इकॉनमीज में बनने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कितने टाइम तक वो तीसरी इकॉनमी या तीसरी बड़ी इकॉनमी में से एक इकॉनमी बन जाएंगे इंडिया वाले? मेरी इस बात से शायद आप इख्तलाफ रख सकते हैं, मेरे ख्याल में मजीद 10 साल, मेरे ख्याल से आपने ज्यादा टाइम बता दिया है, मेरे ख्याल से वो 5 साल के अंदर ही ऐसा अनाउंस करने वाले जी हाँ, इतना 5-10 साल के अंदर अंदर ना वो बन जाएंगे। और हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा साहब, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, दूसरे नंबर पे पीस हो, ठीक हो गया, ये हमारे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हमारा मेल जोल रस्म और रिवाज सब कुछ सेम है, ठीक है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि, और पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे वाम है वो भी सिर्फ यही चाहती है कि आप पीस के साथ अमन के साथ बैठें
बातचीत करें, डायलॉग के जरिए मामला हल हो गया। और हम एक साइड पे ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में भी अमन होना चाहिए, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें अफगानिस्तान का अमन खराब करने में किन लोगों का रोल रहा है वो भी आप बेहतर जानते हैं कि मतलब एक दफ़ा खुद अमन खराब किया जाए, पीस को जो है वो खराब किया जाए, उसके बाद हम कहें हम यहाँ पे भी पीस चाहते हैं, वहाँ पे भी पीस चाहते हैं। भाई नॉन स्टेक एक्ट्रेस भर्ती करने वाला कौन था? एस्टेब्लिशमेंट ने नॉन स्टेक एक्ट्रेस भर्ती की है यहाँ पे, भर्ती करके उनको यूज करते हैं, जब वो उनके काम के नहीं रहते उठा के बाहर फेंक देते हैं। तालिबान को बनाने वाला कौन है? ठीक है, अब मेरा मुंह खुलवाएंगे ये लोग, तालिबान को बनाने वाला कौन है? अच्छा। अफगानिस्तान के अंदर जो बॉर्डर के क्रॉस है, जो टेररिज्म हो रही है, हाँ। उनको कराने वाला, अब मेरी बात सुने, अब ये लोग जो कहते हैं कि जी बॉर्डर के क्रॉस स्मगलिंग हो रही है, हाँ। और तुम छनकला लेने खड़े हुए बॉर्डर पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर ये बात की जाए, कहा ये जाता है कि भाई हमने तो अफगानिस्तान का साथ बहुत दिया है, हमने तो उन्हें यहाँ पे अपना जगह दी रहने के लिए, यहाँ पे वो जो लोग आए, भाई आपने जगह दी, मेरी बात सुने, पहले अफगानिस्तान की वार में आपको कूदने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है 70,000 हमने अपनी जाने दी है पाकिस्तानियों ने, हाँ। इसके अंदर वॉर के अंदर, हाँ। और अमेरिका ने कहा था अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ मुझे बताएगा, हाँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर के पीछे अपनी माँ भी बेच सकते हैं, ये अल्फाज उन्होंने यूज किए थे, ये अल्फाज यूज किए थे बड़ी माजरत के साथ, और ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही है क्योंकि पाकिस्तानी तो मैं भी हूँ, पाकिस्तानी यहाँ भी है, और यहाँ पे कुछ लोगों को बात बुरी मतलब लगेगी, डेफिनेटली मुझे खुद बुरी लगेगी। आप ऐसे ये, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुनी कि ऐसा ऐसा कहा हो, ठीक है, क्या कहेंगे आपके ये स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसे ही दे दी, अगर दी है तो ऐसे ही दे दी, कोई वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जब पाक अफगान वॉर स्टार्ट हुई है तब हमारे फौजी जो थे हमने उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, हाँ। हम दूसरों की जंग में क्यों शामिल हुए हैं? यही चीज है, ठीक है, आज भी हमें सबक नहीं आ रहा, अब यूक्रेन की जंग में क्यों शामिल हुए हैं? ठीक है, जब हमारा काम निकल रहा था आप रशिया की तरफ भी खड़े होते, आप कंडेम ना करते, मेरी बात सुने, जब एक प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बना दी कि हमने कंडेम नहीं करना, तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा या आर्मी चीफ की क्या औकात है कि वो कंडेम करे? चले ये तो देखें, हर जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंड करता है, फॉरेन पॉलिसी, मेरी बात सुने, फॉरेन पॉलिसी फौज ने कब बनानी है मुझे ये बताएं, फॉरेन पॉलिसी फौज बना सकती है? मुझे बताएं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से ठीक हो सकता है? हम हमेशा एक साइड पे अगर ब्लेम करते रहेंगे, देखें पॉलिटिकल पार्टीज आपको लगता है कि बिल्कुल बेहतर काम कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर काम करने दिया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अभी भी मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को एटमी पावर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने बनाया है, जिसके अंदर नवाज शरीफ का रोल है, हाँ। जिसके अंदर बेनजीर का रोल है, जिसके अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का मेन रोल है, जिसने वो काम शुरू किया। पाकिस्तान को आईनी किसने दिया? एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया। इस्लामाबाद लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाई। सेहत कार्ड किसने दिया? एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया। अब मुझे बताएं कि 30 साल 40 साल तक हम डिक्टेटर्स के हाथों जूते खाते रहे हैं, मुझे बताएं किस डिक्टेटर ने हमें कौन सा प्रोजेक्ट दिया? ठीक है, बल्कि पाकिस्तान की अगर बात करें, बुनियाद की बात करें, पाकिस्तान बना ही पॉलिटिकल बेसिस पे था, दो कौमी नजरिए पे था, ये तो कोई मतलब वो यहां पे जब मैं आपकी बात, जब कायद ने हमें कह दिया कि जो पॉलिसीज हैं वो सिविलियंस ने बनानी है, मिलिट्री ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो इनका क्या काम है कि ये वो काम छोड़ के, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में आते हैं? ठीक है, अच्छा मुझे बताएं हम रिलेशन किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, तमाम कंट्रीज के साथ। इससे मैं पहले तो हम ये कहते थे नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनके साथ आप अच्छे तल्लुक, अब तो इससे हम ना हमारे नेबर के साथ तल्लुक बेहतर है, ना इस्लामिक कंट्रीज के साथ तल्लुक बेहतर है, ना ही हमारे मतलब क्या, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे हम रिलेशन बना सकते हैं? भाई इस्लाम देखिए ना, सबसे पहले आप डेमोक्रेसी जब यहाँ पे लेके आएंगे, कम से कम 4 से 5 पार्लियामेंट की मुद्दतें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ हल की तरफ जा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि लोग देखते हैं कि भाई मैं अगर यहाँ पे आऊंगा, कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो यहाँ पे कम से कम स्टेबिलिटी तो हो, स्टेबिलिटी हो। मैंने आपको पहले ही मिसाल दिया, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप मुझे अपना बताएं, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? सिंपल बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिधर होगी आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे, और वहां पे उनकी उनकी तरक्की का सिर्फ एक इरादा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यहाँ पे जमहूरी इकदार को इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि कोई डिक्टेटर जमहूरियत तोड़ने से पहले 1000 दफा सोचे कि मैं इस कौम ने मुझे कभी माफ नहीं करना। यूथ का क्या रोल है? मैं हूँ, आप हैं, यहाँ पे आजकल की यूथ जो है, हाँ। वो सोशल मीडिया की बरकत से, ठीक है, और पढ़ाई की बरकत से, एजुकेशन की बरकत से वो काफी बेहतर हो रही है, वरना हमारे जो बुजुर्ग थे उनको तो कुछ पता नहीं था, जो सीधी बात है। बेशक आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया के थ्रू हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जो इसके जिस तरीके से लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमें आइडिया हो रहा है कि आज भी हम वही जज्बाती अपना एक माइंड सेट रखते हैं? भाई जज्बाती माइंड सेट है, देखे ना, इसमें हमारे उलमा इकराम का भी किरदार गलत रहा है, उन्होंने भी ये जज्बाती एक डॉक्ट्राइन सुंघाई है हमें, ठीक है, ये बात भी गलत रही है। अच्छा, और दूसरा मसला है कश्मीर, मसला है कश्मीर, देखे ना, अब मसला है कश्मीर
को बेहतर तरीके से तो ये हल करना चाहिए ना, वहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम हो, ठीक है, वहाँ पे मैंडेट लिया जाए, जहाँ पे वो मैंडेट हो वहाँ पे वो चला जाए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, दो तीन कश्मीरी से मेरी खुद बात हुई है, ठीक है, और ये मैं प्रूफ करने के लिए भी तैयार हूँ, वो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। उसकी रीजन क्या समझते हैं, महंगाई? आप मुझे ये बताएं कि आजाद